मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में क्लास 7 का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुख गगन के और सेकंड चैप्टर दादी माँ पाठ का बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन किया। आज हम इस कक्षा में फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुख गगन के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर होगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहता जल पीना और कड़वी निमोरिया खाना ही पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी अनेक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जैसे बहता जल पीकर, कड़वी निमोरिया खाकर, ऊंची उड़ान भरकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर, अपनी चोंच से आकाश के अनार दानों रूपी तारे चुनकर और अपनी क्षितिज मिलन करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका आशय होगा, इस कविता में पंक्ति में कवि पंछी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होती तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाती या अपने प्राण खो देती। ये हो गया चैप्टर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन का प्रश्न उत्तर। अब आते हैं चैप्टर 2, दादी माँ, इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो लेखक के सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही साथ उनके बचपन की यादें भी सजीव हो उठती है, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाला गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो इसका उत्तर होगा, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया बल्कि गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति व्यय कर दी। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, दादी माँ का सेवा संरक्षण परोपकार व सरल स्वभाव, दादी माँ आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी सेवा करना व पिछला ऋण माफ कर देना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करने वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। ये हो गया सेकंड चैप्टर दादी माँ का प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए।